फितरत सोच और हालात का फर्क है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। वाकई कोई भी इंसान इस दुनिया में दिल का बुरा नहीं होता, हालात उसे कभी कभी बुरा बना देते हैं, कभी अच्छा बना देते हैं। चलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं। जी साहब नमस्कार। नमस्कार रूपा जी। बिल्कुल आपने जो सही कहा, इंसान का ना दिल से बुरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल तो बच्चों जैसा होना चाहिए। दिल तो बच्चा है ना, तो बच्चा है जी। तो एक्चुअली बात बिल्कुल आपने ठीक की है कि हम इस दुनिया में आए हैं, कोई ना कोई रोल तो होगा हमारा। बिल्कुल, कहते हैं ना कि ये संसार जो एक एक नाटक है, नाटक एक मंच है जिसमें एक कठपुतलियां हैं, कलाकार हैं, अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो हमारा भी तो कोई रोल होगा ना, हम आए हैं तो। बिल्कुल रोल है। और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए अभी 2019 जो है आज खत्म। ओह बिल्कुल खत्म हो गया जी। लोग कहते हैं कि जो वक्त है ना, वक्त चला जाता है, वक्त बहुत बुरा है, वक्त इंसान को ये कर देता है। आपको क्या लगता है कि जो वक्त है वो इंसान को बुरा करता है या लगता है? एक्चुअली हम वक्त के तो जरूर मोहताज हैं। वक्त के मोहताज इसलिए हैं कि बिकॉज क्या है कि जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल है उसको तो हम डील कर लेते हैं जी, और जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं उस पर हम डील कैसे करें। जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें सडनली हो जाती हैं, लाटो निकल आती है, या किसी का ऑल ऑफ सडन पीआर हो जाता है, या और कोई ऐसी, यानी कि बहुत सालों के बाद एक बहुत प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा उनके घर में आ जाता है जो कि इसकी उम्मीद कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि नहीं सही जाती हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कहेंगे कि वक्त तो जो है अपना रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जो भी वक्त हमारे पास है उसको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उसका हम भरपूर कैसे उपयोग कैसे सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। तो आपने जो 2019 कैसे बिताया वो नहीं, तो नहीं, नहीं 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 पहले आप बताइए 2019 में आपने क्या किया था? रूपा जी यहाँ भी आप मुझे ठीक है भाई बहन, चलिए इंटरव्यूअर हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं शुरू हो जाता हूँ। इसमें क्या हुआ था, मैं सच में कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि ये जो 2019 जो हमारे पूरा साल रहा उसमें मैं अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वैसे मेरी आदत नहीं है पीछे मुड़ के देखने की, लेकिन जब बात करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारी मीठी यादें हैं, बहुत सारी मीठी यादें हैं। उसके साथ बीच में कुछ खट्टी मीठी भी हैं, लेकिन मीठी यादों के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसे साल शुरू हुआ, साल शुरू होने के साथ साथ जैसे हमने रिपब्लिक डे किया, समर कैंप किया, उसके बाद डे टू डे की जो हमारे हर किस्म की एक्टिविटीज़ होती रही, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी करते चले गए, जैसे कि बच्चों के लिए हॉलीडे प्रोग्राम ऐड किया, फिर हमने जो इन्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बैग मेकिंग शुरू की, स्किल बैंक को भी हमने थोड़ा सा एड्रेस किया जिसको फॉर्मलाइज और भी करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो भी और भी, जैसे आप देखिए अभी 2-3 दिन पहले क्रिकेट खेला, वो कितनी बड़ी बात है कि सीनियर्स को आपने क्रिकेट खिलवा दिया। तो ये सारी उपलब्धियां हैं जो हमारे साथ यानी जुड़ गई 2019 में। लेकिन उसके साथ साथ अभी हमें ये देखना है कि आने वाला साल कैसा है, किस तरह से हैंडल करना है, वो तो हम बाद में बात करें। लेकिन आपने तो मेरे से बड़ी चलाकी से पूछ लिया, लेकिन आप बताओ आपने क्या किया? जवाब पूरा कहाँ हुआ है आपने? ये तो उपलब्धियां बताई आपने कि क्या क्या हुई हैं, क्या क्या आपने किया है, ये बताइए ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मैंने पिछले साल में की शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी? देखिए रूपा जी, ये तो हम इंसान हैं, इंसान जो होने के नाते बहुत सारी हम चीजें करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने उपलब्धियों की बात की और अच्छी चीजें जो न्यूजीलैंड में होती रही हैं उसके बारे में बात की है, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा जो टच किया हमें, जिस चीज़ ने थोड़ा सा दर्द दे के चली गई हैं, जैसे कि क्राइस्ट चर्च में हुआ हादसा हो गया, उसके बाद अभी रिसेंटली जो वाइट जो आइलैंड है वहाँ पर जो इरप्शन हुआ, वो सब मिला के थोड़ा हमें एक झटका सा दे देती हैं कि भाई सडनली देखिए भाई जो मदर नेचर है जब वो अपना रोल प्ले करती हैं, या कुछ आदमी जो दरिंदे बन जाते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एवरीथिंग दे डिस्टर्ब यू। पर लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मैं दाद देना चाहता हूँ ये न्यूजीलैंड के जो कम्युनिटी है कि किस तरीके से कुछ भी ऐसा होता है तो आके इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे जुड़ के एक दूसरे का साथ देना शुरू कर देते हैं। दुख तो होता है लेकिन जब उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ जी अब पूछिए। हाँ जी वो तो है कि देखिए कि ये तो हमने तो बात तो करनी है, देखिए आपने भी मैं भी रूपा और आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है उसके साथ साथ में ये भी देखा है कि हमारे यहाँ जो फैमिली वायलेंस जो हो रहा है ये हमारी कम्युनिटी में, उसके बारे में तो आप ज्यादा जानती हैं। आप बताएं कि आपने क्या किया है पूरा साल? मैंने बहुत कुछ किया और मुझे लगता है कि मुझे तो एक मिनट भी वक्त नहीं मिला। काफी सारी चीजें तो आपने बता ही दी है तो उनमें मैं भी इन्वॉल्व थी पूरी तरह से 100%। लेकिन जैसे कि फैमिली वायलेंस की आपने बात की, मैं उपलब्धि की बात करना चाहूंगी कि हमने काफी लोगों का घर जोड़ा है, हमने तोड़ा नहीं है। हम बिलीव करते हैं, जोड़ने पर बिलीव करते हैं, ये नहीं है कि जैसे कोई आता है तो उसे कह देता है तुम अलग हो जाओ, ये कर दो वो कर दो। तो हमारा एम यही है, हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका जो मॉरल है वो उसे बूस्ट करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, जैसे कि काफी सारी वर्कशॉप्स ऐसी करते हैं जिससे उनको लगे कि हाँ वो, जैसे गाड़ी सिखाने के लिए किसी ने कहा हमने कहा ऑफकोर्स, कंप्यूटर सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं अभी उसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से। यार लेकिन देखिए ना आपके साथ में देखिए कितने अपने जो विक्टिम्स थे उनको आपने कितना राहत पहुंचाई, दो तीन के पीआर हो गए। वही मैं अभी कहने वाली थी, कितनी बड़ी और अच्छी बात क्या हुई, ऐसे से लोग जिनका पीआर नामुमकिन था, एक तो नाम लेना चाहिए नहीं मैं नहीं जानती, ले सकते हैं क्योंकि महक जो है कि वो 2-2.5 साल इंडिया रही, किस हालात में गई, उनका काफी सारा काफी बूस्ट भी हुआ था। तो जीत भाई साहब आपने तो बहुत कुछ किया था उसके बारे में, वो उनको पीआर मिल गया, यहाँ पर रह रही हैं, बड़ी अच्छी तरह से रह रही हैं। और भी काफी सारी लड़कियां हैं जिनके हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेसी के अंडर के एक्ट में आता है, तो हम नहीं चाहते उनका लेना नाम। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उनको पीआर मिला है, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। और कितनी खुशी होती है आपको, बहुत खुशी होती है। यहाँ पर जो हमारे दिल के अंदर जो सुकून महसूस होता है, किसी ने मेरे से पूछा भाई जीत या रूपा जी आप दोनों भाई हैं, आप लोग क्या मिलता है? मैंने कहा यार देखो आप एक बात बताओ मुझे, आप कोई चीज खाते हो उसका स्वाद सिर्फ आपको ही पता चलता है ना, दूसरे को तो पता नहीं चलता ना। तो सेम चीज है कि हमें जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो सुकून मिलता है ना, जो आत्मिक खुशी जो मिलती है, जो आत्मिक खुशी मिलती है, वो उसका तो कोई मापदंड है ही नहीं। जे, जे, जे। और वो जो हमें महसूस होती है, वो हमें महसूस होती है इसके लिए, वो हमें मोटिवेट भी करती है, हमें कुछ करने के लिए आगे यानी वो एनकरेज करती है, एंड वी आर जस्ट डूइंग इट। और इसमें हम बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद में हैं, बहुत मजे में हैं। कहते हैं जैसे आप हमेशा कहते हैं ना, जो पाए संतोष धन जो बोलते होते हैं, तो वाकई संतोष धन जब आ जाता है, दिल दिमाग में आ जाता है, तो किसी खास चीज की चाहत नहीं रहती, बस यही होता है कि अगर मैं सुखी हूँ, मुझे संतुष्टि मिल गई है, तो सामने वाला भी संतुष्ट हो, हम भी उसे वैसे ही देखना चाहते हैं। कल मैं एक चीज पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा कि कहते हैं कि अगर किसी के कान में हम बात करते हैं जो जहर होता है, अगर मान लीजिए मैं किसी को जहर दूं, मैं तो नहीं दूंगी, किसी को जहर दिया जाए तो एक इंसान मरता है, लेकिन किसी के मन में आप जहर घोलते हो तो इंसान तिल तिल कर रोज मरता है और लोगों को भी मारता है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम अगर कर सकें तो अच्छी बातें करें, किसी को गलत नहीं कहें, और गलत कहते हैं ना, बुरा सुनो ना बुरा कहो और ना ही बुरा देखो। जी जी जी, मैं तो यही कहूंगा, देखिए कि लोग अक्सर पूछते हैं भाई आने वाले साल में आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, तो मैं पूछ रही हूँ आने वाले साल में क्या करना चाहते हैं। तो मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं ना किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ हर एक इंसान के घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। और देखिए छोटे मोटे मनमुटाव जो होते हैं आपके अंदर वो होते हैं, तो लेकिन उसको लेकर आप अपने घरों को नहीं तोड़िए, जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि आपके जो घर में जो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट करता है जब आप झगड़ा करते हैं, उसके ऊपर उनका जो जो वो उस वक्त जो इम्पैक्ट होता है वो सारी जिंदगी उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में आप लोगों को खुशी देने के बजाय पहले सबसे पहले अपने घर के अंदर एक माहौल बनाएं जहाँ पर वो एक सुंदर सा वातावरण हो, जहाँ पर मिलजुल कर आप इस इतने इंडिया छोड़ के आप यहाँ आए हैं, इतने दूर देश से आप यहाँ आके बसे हैं, तो आपको इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है, ये इतना सुंदर देश है, तो यहाँ रहकर आप वो करें जिससे कि आपके घर में खुशी हो। जब आपके घर में दिया जलेगा खुशी का, यानी ऐसा ऐसा माहौल बनेगा, तो आसपास में जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी रोशनी होगी, वो लोग भी सुखी होंगे, खुश होंगे। आपको आप लोगों को इंस्पायर कीजिए, आप लोगों को एक रोल मॉडल बने ताकि लोग आपको देखकर
समझें कि यस इस तरीके से ये सुखी परिवार है तो हम क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, जैसे कि बच्चे अफेक्टेड होते हैं। अभी एक फैमिली से हम मिले थे थोड़े अरसे पहले की बात है, कि जो हस्बैंड थे, पति देव जो थे, तो बीवी को बहुत गाली गलौज देते थे, मारते थे, पीटते थे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो अपनी मम्मी को, मम्मी से ऐसी बातें करने लगा, उसको गालियां देने लगा, उसको झटक से थप्पड़ मार देता। बोलते क्या, बोलते कोई नहीं, पापा भी तो मारते हैं तुमको, मैंने मार दिया तो क्या हो गया। आप देखिए बच्चे का दिमाग कितना नाजुक होता है, कितना डेलिकेट होता है, उसके दिल दिमाग पे क्या असर है। अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है जो इंसान, और जब वो बड़ा होगा, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसकी बीवी होगी, फिर उनके साथ वो क्या सलूक करेगा। ये तो देखिए क्या है कि आप जो बीच होते हैं वो तो आपको काटना ही पड़ता है, कि वो तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। बट लेकिन क्या है कि हमने इस जो ईयर 2019 है उसको हमने बड़े प्यार से विदा कर रहे हैं, और के साथ साथ हम स्वागत कर रहे हैं जो आने वाला जो 2020 है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप यही प्रार्थना करते हैं कि ये ईश्वर हर के घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आपकी हर प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। और आप एक काम जरूर करें कि आप कोशिश करें कि किसी को आप जो चाहते हो, जिस तरीके से आप अपना व्यवहार चाहते हो, आपके साथ कोई कैसे व्यवहार करे, आप दूसरे के साथ वो व्यवहार करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी जाते जाते इतना ही कहूंगी कि जो आने वाला 2020 है, बापरे सुनकर और बोलते हुए कैसे अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा जाए, उसका स्वागत कीजिए। मन में शांति रखिए, घर में शांति रखिए। कहते हैं चैरिटी बिगेन सेट होम, पहले घर में आपके सुख होगा, शांति होगी, और तभी आप किसी और को प्यार कर सकेंगे, किसी और को शांति दे सकेंगे। सिर्फ प्रीचर बनने से, प्रीच करने से कुछ भी नहीं होता है, बड़े बड़े शब्द कहने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम उन बातों पर अमल नहीं करते हैं तो हमारा जीना रहना सब कुछ निरर्थक है। तो इसी के साथ मैं तो आपसे इजाजत चाहती हूँ जीत भाई। बस मैं भी, आपने तो जो कहा है, आई थिंक आई जस्ट से कि भाई वापस से ही वही कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि जो इसका स्वागत कीजिए, जो आने वाला साल है उसका भरपूर स्वागत करें, और अपने अंदर ऐसा ठान लें कि हमने कुछ ऐसा करना है कि हम किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस लेके आए। नॉट दैट कि किसी को हम हर्ट करें, किसी को अपशब्द कहें, या किसी से कोई ऐसी आर्गूमेंट करें जिससे कि रिश्ते बिखरें, जुड़ें, ऐसा कुछ करें कि जो रिश्ते जुड़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशी आए और आपके आस पास का वातावरण बहुत सुहाना हो। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे आपको वन सगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, नमस्कार।